स्पेलिंग रूल का पार्ट टू है। इसमें हम लोग एक इंटरेस्टिंग रूल सीखेंगे, जैसे किसी वर्ड में कब सी के साथ के का भी यूज करते हैं। जैसे आप लोग हमेशा देखते होंगे रिक आर आई सी के, ब्रिक बी आर आई सी के, क्लिक सी एल आई सी के, यहाँ सभी जगह सी के साथ साथ के का भी यूज किया गया है। ऐसा क्यों है? अगर हम साउंड के अनुसार बात करें तो के साउंड आ रहा है लास्ट में, बट के लिए हम केवल के लिए केवल हम के का भी यूज कर सकते थे, बट हमेशा सी और के दोनों ही क्यों यूज कर रहे हैं? तो चलिए जानते हैं। तो हम आपको बता दें, अगर किसी भी वर्ड में सी थर्ड पोजीशन यानी तीसरे नंबर पे आता हो तो उसके साथ निश्चित रूप से सी के साथ के का भी यूज करेंगे। जैसे रिक आर आई सी के, यहाँ सी थर्ड पोजीशन पे है, जैसे फर्स्ट पोजीशन पे आर, सेकंड पोजीशन पे आई और सी थर्ड पोजीशन पे। तो जब भी थर्ड पोजीशन पे सी हो तो उसके साथ के का यूज निश्चित रूप से करेंगे। वैसे ही देखते हैं आगे, हैक एच ए सी के, यहाँ भी एच फर्स्ट पोजीशन, ए सेकंड और सी थर्ड पोजीशन, तो निश्चित रूप से यहाँ भी सी के साथ के लगेगा। बट अगर हम बात करें ट्रिक टी आर आई सी के, तो यहाँ भी सी जो है ना थर्ड पोजीशन पे ही है। अब हम आपको सबसे पहले यह बता दें पोजीशन कैसे काउंट करेंगे। तो इस नियम में हम पोजीशन आपको बता दें, जो आपको भवेल देखने को मिलेगा तो भवेल से पहले जितने भी कंसोनेंट होंगे उस सभी कंसोनेंट को हम एक समझेंगे, एक एक पोजीशन, यानी कि यहाँ पे टी आर को एक समझेंगे, आई को सेकेंड समझेंगे और सी यहाँ पे थर्ड समझेंगे। तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि अगर बीच में भवेल हो और भवेल से पहले जितने भी कंसोनेंट हो, यानी दो हो या एक हो या दो से अधिक हो, तो सभी कंसोनेंट को हम पोजीशन एक पोजीशन समझेंगे, उसके बाद हम काउंट करेंगे। तो इस नियम के अनुसार ट्रिक में टी आर फर्स्ट पोजीशन, आई सेकेंड पोजीशन और सी थर्ड पोजीशन, इसलिए यहाँ पे सी के साथ के का यूज किया गया है। वैसे ही अगर हम देखें ब्लैक, तो बी एल फर्स्ट पोजीशन, ए सेकेंड पोजीशन और सी थर्ड पोजीशन, तो ऐसे आपको बहुत सारे वर्ड देखने को मिल जाएंगे जहाँ पे सी थर्ड पोजीशन पे होंगे तो उसके साथ हमेशा के का यूज होगा। नेक्स्ट देखते हैं पिक पी आई सी के, तो यहाँ पे पी फर्स्ट पोजीशन, सी सेकेंड, जहाँ भी कहीं मिलेगा, जैसे पी आई सी के पिक, पिक में पी फर्स्ट पोजीशन, आई सेकेंड पोजीशन और सी थर्ड पोजीशन, तो यहाँ आपको सी के साथ के का यूज देखने को मिलेगा, यानी आई थिंक ही हो थर्ड पोजीशन। आई थिंक आप लोग समझ पा रहे हैं, जैसे कहीं भी आपको मिले ऐसे बहुत सारे शब्द आपको वर्ड्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे क्लिक क्लिक, यहाँ पे सी एल, सी एल फर्स्ट पोजीशन पे है, सी एल इसलिए फर्स्ट है क्योंकि सी एल दोनों का दोनों कॉन्सोनेंट है और आई भवेल से पहले जितने भी कॉन्सोनेंट होंगे उसको एक काउंट करेंगे, तो यहाँ सी एल फर्स्ट, आई सेकेंड और सी थर्ड, तो इसलिए यहाँ पे सी के साथ के का भी यूज किया गया है। वैसे ही आपको बहुत सारे वर्ड्स और भी हैं, हैक एच ए सी के, बैक चेक, स्टिक स्टॉक, क्लॉक, ऐसे बहुत सारे हैं, सभी जगह सी थर्ड पोजीशन पे है। लेकिन हमेशा याद रखें कि सी वर्ड के आखिरी में हो और भवेल से पहले जितने भी कॉन्सोनेंट हो उसको एक साथ हम फर्स्ट पोजीशन समझेंगे, यानी कि यह भी कंडीशन है कि सी आखिरी होना चाहिए, यानी वर्ड का आखिरी होना चाहिए, तो उसके साथ निश्चित रूप से हम के लगाएंगे, सी वर्ड का आखिरी होना चाहिए तो निश्चित रूप से उसके साथ के का यूज होगा। और हम पोजीशन काउंट कैसे करेंगे? तो अगर भवेल आता है तो भवेल से पहले जितने भी कंसोनेंट होंगे उसको एक पोजीशन काउंट करेंगे। और भी एग्जांपल आपको बता दें, जैसे कि क्लिक सैक फ्रॉक स्मॉक स्नीक लक मॉक हॉक स्नीक, इस सारे जो वर्ड हैं सब वैसे ही है, उसी रूल पे हैं, सभी के सभी में सी जो है थर्ड पोजीशन पे है, इसलिए उसके साथ के भी हम यूज किया गया है।
तो यानी जब भी सी आपको आखिरी में मिले और थर्ड पोजीशन पे मिले तो आप निश्चित रूप से उसके साथ के का यूज करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं विकेट। यहाँ पे सी के से अंत नहीं हो रहा है, यहाँ पे के का यूज क साउंड देने के लिए हुआ है। अब जैसे आप तो समझ रहे हैं कि सी के जब लास्ट में हो तभी होगा यूज, लेकिन यहाँ पे सी के बीच में है तो यहाँ पे सी के साथ के का यूज इसलिए हुआ है क्योंकि क साउंड देने के लिए। अगर हम यहाँ पे के यूज नहीं करते तो इसका साउंड के का नहीं आएगा, इसका साउंड डब्ल्यू आई सी ई टी वी सेट हो जाएगा, वी सेट हो जाएगा। बिकॉज किसी भी वर्ड के बीच में अगर सी ई आता है तो वह से का साउंड देता है, यानी कि वी सेट। यानी किसी भी वर्ड के बीच में अगर सी ई होगा तो आप उसको से पढ़ेंगे। इसलिए क्रिकेट यहाँ भी क का साउंड देने के लिए के का यूज हुआ है। अगर के यूज यहाँ नहीं होता तो यहाँ क्री सेट होता। यह थर्ड पोजीशन पे नहीं है, यह आखिरी में नहीं है, फिर भी यहाँ पे सी के साथ के यूज हुआ है बिकॉज यहाँ पे क का साउंड देना है, इसलिए यहाँ पे के का यूज हुआ है। तो आप अब समझ पा रहे होंगे कि अगर आपको कहीं भी सी थर्ड या आखिरी पोजीशन पे मिले तो आप के का यूज जरूर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।